गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि असली मॉब लिंचिंग 1984 में सिख दंगों में हुई थी। अगर कांग्रेस विधायक को मॉब लिंचिंग जानना है तो कमलनाथ से पूछे। 84 के सिख दंगों में गले में टायर डालकर लोगों को जिंदा जला दिया गया था। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के धरने पर बयान देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आरिफ मसूद मॉब लिंचिंग का मतलब कमलनाथ से पूछे। 84 के सिख दंगों में हुई थी असल मॉब लिंचिंग, जब गले में टायर डालकर लोगों को जला दिया गया था। नरोत्तम मिश्रा ने पाकिस्तान से प्रहलाद की वापसी पर प्रधानमंत्री को बधाई दी और कहा इसे सक्षम नेतृत्व कहते हैं। संबल हाथ में देश की कमान है। एक दौर वो था जब हमारे सैनिकों के सर काट कर पाकिस्तान सैनिक फुटबॉल खेल कर ले जाते थे। आज पाकिस्तान घर छोड़ने आता है, यह सक्षम नेतृत्व है। उन्होंने इंदौर की पूरी तरह से वैक्सीनेट होने पर इंदौर वासियों को बधाई दी और कहा मैं इंदौर का प्रभारी मंत्री हूं। 31 तारीख का टारगेट दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने, मुफ्त वैक्सीन इंदौर को भरपूर दी है। इंदौर जिला कलेक्टर मनीष सिंह और उनकी पूरी टीम को इस कार्य के लिए बधाई। इंदौर ने प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया है। इंदौर से दुबई की डायरेक्ट फ्लाइट को लेकर प्रधानमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी उन्होंने बधाई दी, आभार व्यक्त किया। कांग्रेस विधायक और कांग्रेस के तथा कथित शो कॉल्ड नेताओं से प्रार्थना है कि मॉब लिंचिंग का अर्थ नेट पे चले जाएं और निकाल लें। मॉब लिंचिंग में होता है कि भीड़ के द्वारा हत्या की जाए। शब्द को थोड़ा सुधार लें। मध्य प्रदेश को बदनाम करने की वो जो कोशिश कर रहे हैं लंबे समय से, उनके नेता जो भारत माता को बदनाम, महान भारत को बदनाम भारत कहते हैं। और मॉब लिंचिंग का अर्थ अगर आप आरिफ मसूद जी आपको पूछना है तो कमलनाथ जी से पूछ लो। 84 के दंगों में जब सिखों को गले में टाई डाल डाल के जिंदा जला दिया था, कमलनाथ जी ठीक बता देंगे उसके बारे में कि मॉब लिंचिंग किसे कहते हैं। पाकिस्तान से वापस आए हैं, लंबा कालखंड बाहर बिताने के बाद इसे सक्षम नेतृत्व कहते हैं। सबल हाथों में जब देश की बागडोर होती है और निर्बल हाथों में होती है। एक दौर वो था जब पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सर काट के उनके सैनिक फुटबॉल खेलते हुए ले जाते थे। आज अभिनंदन से लेके प्रहलाद तक पाकिस्तान घर छोड़ने आता है, ये सक्षम नेतृत्व होता है। प्रसन्नता है मुझे, मैं प्रभारी मंत्री हूं। उस दिन जब मुख्यमंत्री जी ने 31 तारीख का टारगेट दिया और प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त वैक्सीन इंदौर को भरपूर उपलब्ध कराई, इंदौर के जिलाधीश कलेक्टर मनीष सिंह को बधाई, उनकी पूरी टीम को बधाई कि उन्होंने जैसी इंदौर की ख्याति बन गई है नंबर वन आने की, चाहे वो सफाई का स्वच्छता का क्षेत्र हो, चाहे वो पानी के संबंधित में हो, चाहे कोरोना के संबंधित में हो, सब में नंबर वन हमारा इंदौर आ रहा है। मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और उन्होंने दी है तो बधाई, उनको भी बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को भी बधाई। बिजली संकट को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा मेरे और प्रद्युम्न सिंह के बयान बिल्कुल अलग नहीं है, सिर्फ हेडिंग अलग है। 18 से 20 घंटे की कटौती नहीं है, उनका लक्ष्य अलग है। बांधों में जो पानी आना चाहिए था कम बारिश के कारण नहीं आया है, कोयले की कमी हुई है, लेकिन यह शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, यह दिग्विजय सिंह की अंधेरे वाली सरकार नहीं है। बिल्कुल अलग नहीं है, हेडिंग अलग हो गए। उन्होंने कहा कि 18 से 20 घंटे की कटौती नहीं, उसको आपने कहा कि उन्होंने कहा कोई कमी नहीं, उनका लक्ष्य अलग था। उन्होंने कहा 20 घंटे की कटौती कहीं नहीं हो रही, गलत जानकारी दे रहे हैं। हमारा बयान और उनके बयान बाद में उन्होंने भी वही कहा है कि वर्तमान में संयंत्र हमारे काम करना बंद किए, बांधों में पानी जो आना चाहिए, हमारी पूरी नर्मदा वैली के जो बांध है उन बांधों में पानी, इस बार वहां बारिश कम हुई है अभी तक, तो उसकी वजह से कोयले की वजह से 3-4 चीजें इकट्ठी हुई, इससे दिक्कत है।
मित्र, ये शिवराज सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कांग्रेस की दिग्विजय सिंह की अंधेरे वाली सरकार से उजाले में लाई। एपेक्स बैंक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, समृद्धि आपकी, योजनाएं हमारी, वाहन ऋण, आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण, भ्रमण ऋण, उच्च शिक्षा ऋण, व्यापारियों को साख सीमा ऋण, त्योहार ऋण, चिकित्सा ऋण परियोजना, उपभोक्ता ऋण, आभूषणों के तारण पर ऋण, अचल संपत्ति के बंधक पर ऋण, क्यों देखें महज सपने, आइए करें उनको साकार। केंद्र, राज्य शासन, शासकीय निगम, मंडल बोर्ड, समस्त सहकारी बैंकों, संस्थानों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए उपरोक्त समस्त ऋण रियायती ब्याज दर मात्र 8% पर ऋण सुविधा उपलब्ध। वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर 1% अधिक ब्याज सुविधा का लाभ लेने के लिए नजदीकी एपेक्स बैंक की शाखा में संपर्क करें। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।